हेलो जन, वेलकम टू टॉकिंग एक्सक्लूसिव। इस बार है ना, मैं एकदम सॉलिड वीडियो लेके आई हूँ जिसमें ना बहुत सॉलिड वायरल फीवर है। वायरल फीवर यानी वायरल वीडियो है वो। उसमें कंपाइलेशन है सारे बेस्ट वायरल वीडियो का। यानी होता है ना, एक मॉल में बहुत सारे शॉप होते हैं, इसमें एक शॉप है जिसमें बहुत सारे मॉल है। और ये एकदम धमाकेदार वीडियो जिसमें दो खान भाई गले मिले थे बहुत लंबे टाइम के बाद। यानी इधर बहुत बड़े बड़े शाने आ गए, लेकिन उनका एकदम वैल्यू ज़ीरो हो गया। इन लोग दोनों हक किए तो बाकी सब कैमरे उनके ऊपर टर्न हो गए। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये मोमेंट, क्योंकि मेरे दोनों फेवरेट है, शाहरुख एंड सलमान। अच्छा, अभी तुम लोग में से कोई बताएगा वो शो जो हुआ था, करण जौहर और अर्जुन कपूर, वो सर करण अर्जुन ने किया था कांड, हाँ उसके बारे में कुछ बोलेगा कोई? Is this, are you guys talking about the AIB video? हाँ, वही। हाँ, I love the way मैं तो एकदम हश हश है। It's like, you know, मतलब, it's अभी taboo है या मतलब वो नाम ही नहीं ले सकते हैं या it's damn चूतिया what's going on right now. I honestly feel के you know what the fuck is going on yeah. Our country has so much to offer. There are far greater and more serious issues that are happening around the world, right? Now you're talking about whether this trailer is going to be beeped on YouTube or something. When you start to make something, when a writer writes something, a director wants to, you know, it's art. And I don't know why our country has become so sensitive ke matlab benchot nahi keh sakte, you know, but Scorpios can go flying. You know, I just don't, I'm sorry, I just thought I'd get it out there. एक नंबर आ, टकले आ, मस्त बोला तू। मेरे को ना तेरी जात वालों के पे अभी ना टकले फकर होने लगे ले, क्योंकि उनको ना बहुत ज़्यादा अलग से टाइप का दिमाग रहता है, बाल नहीं रहते ना, बाल का वजन नहीं रहता है। सही बोला, कमेंट मारो आप लोग और नेक्स्ट वीडियो देखो। हेलो परिणीति, सुनना, ए इधर, ये टकले क्या बोलते हैं मालूम है क्या? When girls are young ना दे लाइक इट, और बाद में when they grow old they shout at it. Shout at us, ने? तेरे पे shout करती है क्या? When they are young, they like it. What do they like? You are being tortured by us. टकले है। बता अभी। He has said, when girls are young, they like it, and when they are older, then they scream and shout at us. बोलना अभी, ऐसा मुख्य बना है। Force किया क्या? Man force. I am sorry that you are so tortured. I think this is the reason we are having this discussion today. That it's as per convenience. How can you blame it? कि गर्ल्स लाइक इट व्हेन दे आर यंग एंड दे स्क्रीम, आई थिंक दैट्स रिडिकुलस, आई थिंक दैट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू से टू अ गर्ल। आई थिंक इफ देयर इज सेक्स और अ किस और अ हग, देयर आर टू पीपल देयर एंड नॉट जस्ट द गर्ल। समझेगा येड़े, किस हग दो लोग होते हैं, और तू जब हगता है ना तब तो अकेला होता है येड़े। चल अच्छा दीपिका, मेरे को बोलना तेरे गली के बारे में, गली गली में चर्चा जो हो रही है उसके बारे में तेरे को क्या लग रहा है? I have said what I've had to say and I'm not going to say anything more. भड़क काहे को रही है? पूछ रही है ना जो हुआ उसके बारे में बोल नहीं सकते क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिंदाबाद। You didn't expect her to react. ए अर्जुन, तू मुंह बंद कर, समझाना, नींद से उठ के आया लगता है तू। बोल ना, तू खुल के बोल। I think the camera, can you pan this camera on this lady here, can please? You just pan the camera on her right now. It's a small petty thing. You have absolutely no idea what you're saying right now, and I am already very upset, and you're making me even more upset. Okay, and you're being a woman and you're saying, yeah, this, that's very very unfortunate. दिखाते समय तुम लोग तो खुल के दिखाते हो, बाद में बात करते समय ऐसा क्या है, ये नहीं और वो नहीं। रोस्ट में तेरे को इतना रोस्ट करके बोला तेरे बारे में और रणवीर के बारे में, वो चला तेरे को। और अर्जुन सुन, ये गली के बारे में बात चल रही है, तेरे पास नहीं है ना तो चुप बैठ, तू मुंह मत खोल। अच्छा सुनना अनुराग, ये केआरके ने कमेंट किया था मालूम है, तेरा ये वेलवेट जो है बॉम्बे का, ये चलेगा नहीं, ये बिकेगा नहीं, कोई वेलवेट खरीदेगा नहीं। तो अगर वो ऐसा बोलेगा, यानी वो जैसा बोलता वैसा हुआ तो अच्छा है, नहीं तो चल गई तो सामान काटेगा उसका, ऐसा कुछ बोला था केआरके ने। आज खुला मुझे दावा किया है कि अगर हमारी फिल्म चल गई तो अपना हथियार काट देंगे, हम लोग उनको एक आइस बॉक्स भेज रहे हैं। आइला आइस बॉक्स, मस्त है। एक खास तौर से एक बहुत खास बना हुआ आइस बॉक्स भेज रहे हैं, ताकि हम उनका जो हथियार है यहाँ पे, जो म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा आ रहा है उसमें हम प्रिजर्व कर सके कि ये केआरके जो इंडिया का सबसे इनकॉन्सिक्वेंशियल क्रिटिक है उसका हथियार है, कॉन्सिक्वेंशियल क्रिटिक है उसका हथियार है, उसको आई थिंक उसके लिए हम लोग अलग से टिकट भी लगाएंगे लोगों को देखने के लिए, तो ये आइस बॉक्स हम उनको भेज रहे हैं। यानी उसके सामान का मम्मी बनाएगा और पप्पा को नीचे जाने, छोड़ सीरियस हो गया क्या तू? एक करण तू बोल ना, तेरे से बात हुआ था ना,
बोलना तेरे को बहुत इंटरेस्ट रहेगा उसके सामान में, बोलना तुम लोग दोनों का कुछ बात हो गया था ना मैसेज मैसेज पे। Can I ask you a question? अच्छा चल पूछ चल पूछ। Do you believe I sent him that? हाँ मालूम है तू नहीं भेजेगा, भेजेगा तू किसी और चीज के लिए भेजेगा, मेरे को मालूम है। I rest my case then. क्या बोला rest in peace क्या case पे? अच्छा छोड़िए इससे बात नहीं करते, आप लोगों को क्या लगता है वीडियो के बारे में लिखो और दूसरा धमाकेदार वीडियो देखो रे, ये लगाना टकलिया। हेलो मलिका सुन रही है ना मलिका, मैं हेलो मैं इधर, हाँ तू किधर, तू इधर उधर जाती रहती है ना, किधर किधर, वो कानवान में गई थी फेस्टिवल वेस्टिवल अटेंड करती है, सुना मैं तेरे बारे में बहुत। तो इंटरव्यू में क्या बोला इंडिया के बारे में, इंडिया बहुत ऐसा है, इंडिया रिग्रेसिव एग्रेसिव क्या बोलते उसको वैसा है, क्या बोली तू? आई थिंक यू नीड टू डू योर होमवर्क वेल। ए होमवर्क का मत बोल, स्कूल में करती थी मैं। Because I said Indian society is regressive for women. Regressive का मीनिंग मैंने अभी डिक्शनरी में देखा, क्यों लेकिन है regressive बोल मेरे को। I'll tell you exactly why. This is my point of view. With female feticide, infanticide happening on almost a daily basis, with gang rapes making the headlines of every newspaper, with honor killings. Today only I tweeted about it. Today I read in the paper, according to UNFPA, 40%. Of Indian women, 40% are married below the age of 18. I think it's a very, very regressive state for women. And you? I stand by it. अच्छा चल मान लिया तेरा एग्रेसिव रिग्रेसिव, लेकिन मेरे को बोल उधर तू एकदम इंडियन बोल के गई थी, रिप्रेजेंट कर रही थी, तो वहाँ जाने के बाद इंडिया रिग्रेसिव है ये वो काय को बोलने का, उन लोग को पैसे लगता है कि इंडिया में तबेले बहुत ज़्यादा है, इधर सब जंगली लोग रहते हैं, हम लोग पत्ते बन के आज भी घूमते हैं, VIP उनको मालूम ही नहीं हम लोग के पास कब से अंडरवेयर बन के पड़े लिए, लेकिन ये सब काय को जाके बोलने का, तू बोलने का ना हम लोग भी सॉलिड है, हम लोग के भी वहाँ ऐसा है वैसा है, बोलने का ना मैकडोनल्ड का बर्गर खाते हम लोग, बोलने का ना तेरे को क्या है। I am never going to lie. ये हिपोक्रेसी जो है ना हमारे समाज में, ये हिपोक्रेसी जिसका जो करते कुछ और हैं दिखाते कुछ और हैं, तो आप मुझे ये कह रही हैं कि औरतों के साथ अपने समाज में ये अत्याचार हो रहा है, ये रेप्स हो रहे हैं, ये ऑनर किलिंग्स हो रही हैं औरतों के साथ, और कोई मुझसे सवाल पूछता है तो मैं ना बोलूं? No, मैं झूठ बोलूं? Absolutely not. तो जब एक इंटरव्यूअर मुझसे सवाल पूछ रहा है व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस गैंग रेप्स, जो रोज न्यूयॉर्क टाइम्स वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन है, CNN की हेडलाइन है, तो मैं क्या बोलूं? मैं झूठ बोलूं? तो आप मुझे क्या कह रही हैं? एज अ वुमन आई शुड लाई अबाउट द स्टेट ऑफ वुमेन दैट्स इन आवर कंट्री? सो आई डिडंट लाई, आई सेड द ट्रूथ। और प्लीज मैं आप सबसे पूछती हूँ, मैंने क्या गलत बोला अगर सच बोला तो? आई रियली वॉन्ट टू नो फ्रॉम एवरी वुमन हियर, मैंने क्या गलत बोला? औरतों का आज ये हाल हो रहा है, अगर कोई और औरतों की तरह मैं भी चुप रह जाऊं और ये औरतों का हाल होने दूं? हरियाणा में फीमेल फिटिसाइड कितना है मालूम है? 1,000 men to 700 women कोख में ही मार देते हैं, और इस देश में देवी की पूजा की जाती है और बच्चे को, फीमेल बच्चे को कोख में मार देते हैं, और फिर ये यही आके प्रेस मेरे पे पत्थर फेंकती है कि मैंने भारत का नाम बदनाम किया। मैंने कहा सच बोल के, कमाल है यार। ये भी तेरा बराबर है, मेरे को ना सॉरी, हाँ मेरे को बैक स्टेज में सॉरी बोलेगी पप्पी देखें। आपको क्या लगता है? कमेंट करो और है ना नेक्स्ट वीडियो देखो, इससे भी मजेदार है। हेलो परिणीति सुनना, ये हमारा टकले है ना, उसको बहुत सवाल अंदर से आ रहा है, ये पूछना। नहीं 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 नहीं, ये नहीं नहीं क्या करता है, पूछना। परिणीति बोलना, इसको प्रॉब्लम के बारे में बोल रहे ना टकले, बोल बोलना अभी। यानी ये जो प्रॉब्लम होती है ना, कौन सी प्रॉब्लम? वो जो होता है वो, कौन सी प्रॉब्लम? मंथली प्रॉब्लम होता है ना। कौन सी प्रॉब्लम बोले तो? वो पीरियड का जब प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम जब प्रॉब्लम होती है ना तो पीरियड नहीं होते, मैं ये बताना चाहती हूँ। ऐसा होता है क्या? मेरे को मालूम नहीं था। ऐसे लोग हैं, जरा इन पे कैमरा पैन कीजिए। ताकि पैन मत कर कैमरा, तेरे को मेरी कसम है। ऐसे लोगों को मारने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। टकले तो गया आज, मारेगी तेरे को, ये पेंसिल लेके मारो। यानी वो सब पूजा वूजा का भी प्रॉब्लम होता है ना, वो टचिंग विचिंग नहीं करने का रहता है, अलग से बैठने का रहता है। आप समझ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, वो ही तो मैं कह रही हूँ, पूछो ठीक से। ताकि तू पूछना, वो पूछेगी। अरे मेरे को, अच्छा चलो दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। यही क्वेश्चन चाहिए मुझे तो। ये भी चिपक के बैठ गई अभी। अरे नहीं नहीं, मैं शाय वाय नहीं होता, बीबी का पैड मैं लेके आता हूँ, वो भी पेपर में डाल के, मालूम है। ये बहुत ही शेमफुल बात है, एक्चुअली हम लोग हंस रहे हैं लेकिन ये बहुत शेमफुल बात है कि आपको नहीं पता पीरियड्स के बारे में। 24 साल के हैं आप बाप बन सकते हैं आज के दिन। ए क्या बोली परिणीति तू, बाप बन सकते हैं आज के दिन?
टेढ़ा है क्या आज के दिन में तेरा तेरा कुछ मूड बन रहा है क्या? ए बस बस इनफ, इंटरव्यू इधर ही खत्म करते, टक लिया बाप भी नहीं बनने का। चल ये देखो, ये एकदम धमाल वीडियो है, इसमें इसने कुछ कांड किया है, जिसका एक हाथ नहीं है उसका एक हाथ इस कांड में है, ऐसा एक लड़की बोल रही है। टक लिया तू ध्यान से देखा, ये कुछ मोलेस्टेशन मोलेस्टेशन क्या बोलता है उसके साथ में, क्या बोल रही बोल? यू पुल्ड मी सुभाष, यू आर होल्डिंग माय हैंड, यू वर यू नॉट होल्डिंग माय हैंड, एंड हु वाज अहेड, हु वाज अहेड, यू वर अहेड, हु वाज होल्डिंग माय हैंड, यू वर होल्डिंग माय हैंड, एंड इस लाइन में कौन था? वी वर नॉट वॉकिंग ऑन द इनसाइड टुगेदर, यू वर आगे, आई वाज हियर, यू वर होल्डिंग माय हैंड, व्हाट डज इट मीन? आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, I just have one like thing in my heart and I really want to let it go. I want to hear that and I want you to let it go. I know you're not going to do anything, but I want you to get out of it. I want you to. I don't know how much time will it take. I want as you a to walk. As a girl, you know, wo shayad mujhse nahi hoga, but this particular thing that I did not do anything about it. I just want to hit him once. I really want to do that. अभी कैसी पलट रही थी, उसकी बीवी बैठी है उधर कोने में, अभी ये देख बजाएगी उसको, पड़ी ये सुभाष कपूर है, ये जॉनी एलएलबी और फंस गए ओबामा, वो सब ऐसा फिल्म किया उसने, तीन चार फिल्म किया, अच्छा मेरे को वो दोनों भी पसंद है, जॉनी एलएलबी और ये, लेकिन ऐसा क्या किया इसके साथ, उसको क्या सिखा रहा था एलएलबी? बताओ फुल फॉर्म, एक हाथ नहीं है चुप बैठने का अपना, बोल नहीं सकते रहे उसने किया रहेगा क्या नहीं, वो भी मैं कन्फ्यूज हो जाती हूँ ऐसे टाइम में, पार्टी में पीएलई में कुछ किया रहेगा उंगली है कि नहीं टकला, तू करता है ना अपला हाथ जगन्नाथ, आ मेरे के लिए तालियां मारो रे। हेलो तू बहुत सोचता है ना, तो अभी मेरे को सोच के एक जवाब दे, ये जो रोस्ट वोस्ट किया ना उन लोग ने, ए बी वालों ने, तेरे को क्या लगता है उसके ऊपर बोल। स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू स्टार्ट बाय सेइंग दैट आई हैव नॉट येट सीन दैट रोस्ट, बट आई हैव हर्ड अबाउट इट and I've seen 2-3 clips of it, and when the roast happened, abe paka mat jo hai na mudde pe, I happened to be at a place where Karan and Arjun came to that place and told us ki humne ye roast kiya aur ye hua, they told us all the dialogues that they had exchanged over there. I was deeply affected by that. I was most disappointed in what I was hearing. अरे बाबा, deeply effect हो गया है ना, क्या हो गया तेरे को? Piles हुआ? I completely believe in freedom of speech. No issues. क्या हो गया है? ठीक से बोलना, clear करना. But we have to understand that we all have a certain responsibility. When I heard what was being described to me, I felt it was a very violent event. There was a lot of violence in that event. देखिए, violence सिर्फ physical नहीं होता. कि मैं आपको दो जूते मारूं, वायलेंस वर्बल भी होता है, वायलेंस इमोशनल भी होता है, जब आप किसी को इंसल्ट करते हो तो आप वायलेंस परपेचुएट कर रहे हो, आप एक बहुत ही वायलेंट चीज कर रहे हो और आप दुनिया को दिखा रहे हो कि देखो मैं कितना वायलेंट हूं, तो मुझे वो चीजें पसंद नहीं है कि मैं आपको वायलेंस दिखाऊं, चाहे वो फिजिकल हो और उसको मैं आपको बताऊं कि कितना कमाल का है, आई डोंट लाइक इट। सो आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ यंग पीपल हु हैव लाइक्ड द शो, and I believe that all of us have different opinions and we are allowed to have a different opinion, but I'll give you my opinion. मुझे लगा कि it was a very violent show, इसलिए मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने अपने मेरे दोस्त हैं करण और अर्जुन, तो मैंने तो उनको डांटा, मैंने बोला यार मुझे ये फनी नहीं लग रहा है, और 25 गालियां देखे आप सोचते हो कि मैं इंप्रेस हो जाऊंगा, तो गालियों से इंप्रेस होने का मेरा मेरी उम्र निकल चुकी है, मैं 14 साल का नहीं हूं कि मैं गाली सुन के हंसूंगा, हा 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 गाली दी उसने यार। I am not impressed by bad language. आप जोक अगर मुझे आप हंसाना चाहते हो तो आप बगैर किसी को चोट पहुंचाए आप मुझे हंसा के दिखाओ तो मुझे मजा आएगा उसमें। वैसे आमिर सही बोलता है तू, आपको क्या लगता है ये पूरे वीडियो के बारे में, कमेंट करो नीचे, और है ना मेरे को बताओ आपको कौन सा वीडियो इसमें से सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और सॉरी यार बहुत टाइम के बाद अपलोड हो गई मैं, मेरे को थोड़ा सा फाइल्स का प्रॉब्लम हो गया था इसके लिए, और है ना वायरल करो ना वीडियो मेरा, शेयर करो लोगों को, बताओ, चलो फॉरवर्ड करो, सब्सक्राइब करने बोलो, लाइक वाइक मारो, चलो बाय बाय टकलिया, चल वो मलम देना मेरे को।